कुछ सेशन उन बच्चों को देने, बिकॉज हम जानते हैं कि आपके स्कूल के बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, आप उसके ऊपर, आप उनके साथ में हैं, तो 100% उन बच्चों को हम उस पोजीशन पे पहुंचा देंगे कि पूरा वर्ल्ड अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आए तो सबसे पहले ये बोले कि वो स्कूल का है कानपुर में, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां के टीचर से मिलना है। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? यस और नो? बहुत थैंक यू। यस यस और नो? इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे पेन गिरा हुआ है और कोई कह रहा है उठा लो। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूं उठाने की, उठ नहीं पा रहा है। ऐसी वाली यस नहीं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं अगले 5 साल में कि हम यहाँ के बच्चों को नेशनल लेवल तक पहुंचा दें? यस और नो? यस। अब आगे nobody can teach. Robot cannot teach. They don't have emotions. They don't have that parameter. They cannot change the personality, because sometimes, at times you encourage, at times you screw the child. Yeah, right, right. At times you take the child in the arm and spread love. ये emotions robot नहीं कर सकते, right? So ये एक छोटा सा session आप लोगों के साथ में, मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ queries हो हमारे अगर प्रोग्राम आपको समझ में, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आएगा, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो मेरे को हेल्प करेंगी और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी तो ये प्रिलिमिनरी हमारा डिस्कशन हो रहा है कि एक्चुअली में हमने स्कूल के साथ में करना क्या है, आगे कुछ स्टेप्स लेके चलने हैं, उन स्टेप्स में हमने इन चीज़ों को इंड्यूस करना है बच्चों के साथ में। बहुत सारी टेलीविजन इंड्यूस ब्रेन डिस्टर्बेंसी एक नाम आता है, होता क्या है, एक बच्चा आपके पास आया, आपने बहुत अच्छे से उसको काउंसिल किया कि बेटा सुबह उठना, ये सारी बातें हुई, वही बच्चा घर में गया, द मोमेंट उसकी मम्मी बेचारी काम कर रही है, घर का बच्चा है अभी स्कूल से थका रहा, बेटा बैग रख फटाफट, में गरम गरम मेरे को फुलके बना के खिलाती, वो मम्मी बेचारी लगी हुई है, बच्चा गया अंदर, उसने पैन मुंह चलाया, उसने फटाफट पी लिया और ये रिमोट उसके हाथ में। अब क्या हो रहा है कि मम्मी को मालूम नहीं है, पापा ऑफिस में है, जॉब में है, वो बच्चे ने जैसे ही ओपन किया वहां पर एक डोरेमोन जैसा प्राणी जो था उस छोटे बच्चे के सामने उत्पन्न हो गया और उसकी पूरी साइकोलॉजी क्या कह रही है, वो उछल क्या रहा है वहां पर। देखो बेटा, जो बेटा मम्मी तो हमेशा डांटती रहती है पर टीचर भी कोई कम नहीं है, बार बार यही बात रिपीट करती है मम्मी और वो अक्सर पीटीए में जाती है, यही सब होता है। बच्चे की साइकोलॉजी में क्या हो रहा है, बच्चा ये समझ रहा है कि मम्मी तो अक्सर कहती है टीचर भी है वही है और मुझे अपना काम कराने के लिए तो मुझे जिद करनी है, मुझे तो अपने आप को आप लोगों के साथ के बगैर